की पार्टी से। दुबे जी आपका स्वागत है। ये सब इकट्ठा हो गए ना तो आपके लिए बड़ी मुसीबत करने वाले हैं। और देखिए ये सब एक हो रहे हैं, हम टिकट भी बांट लिया, सीटों पे कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए। नहीं ब्रजेश जी, ये इकट्ठा हो जाए ये हम शुभकामना देते हैं इनको, लेकिन लक्षण तो नहीं दिख रहा है। वो कहते हैं ना कि बाएं से उड़ के दाई दिशा को गरुण गया, कैसा शकुन हुआ कि बरगद उखड़ गया, और लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, पहुंचे नदी के घाट तो मेला उजड़ गया। और देखिए ब्रजेश जी, ये जो इंडी गठबंधन, सो कॉल्ड इंडी गठबंधन था ना, उस पे राहुल का लग गया है। अब इसकी शुरुआत देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने क्लियर कर दिया, वहां पंजाब में भगवंत मान ने क्लियर कर दिया, बिहार की स्थिति आपने देखी ली, अभी राहुल जी की यात्रा उसके आसपास ही थी तभी वहां हो गया सारा काम, और उत्तर प्रदेश बचा हुआ है। जब रात है ऐसी मत वाली तब सुबह का आलम क्या होगा। पहले दिन जब यह गठबंधन बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और हमारे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि देखिए ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है ना, इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ और है, अंदर जो माल है वो कुछ और है, और जब आप खोलेंगे तो निकलेगा कुछ और। अभी आपने सुना कि सुनील साजन जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया, वहां हम मांग रहे थे यहां ये मांग रहे। तो अखिलेश जी ने स्पष्ट कर दिया है, समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस जो है वो मांगने वाली बन के आए तब तो चलेगा, बराबरी में आके हम नहीं बैठने देंगे। आज बड़ी इज्जत दे रहे हो समाजवादी पार्टी को, अच्छा लग रहा है कि ये कांग्रेस वालों को टाइट कर रहे हैं? नहीं, वो सुनील साजन हमारे बड़े अच्छे मित्र है ना, इसलिए तो लग रहा है आज बड़ी खुशी हो रही है कि हम ही टाइट कर रहे थे, अब तो ये भी आ गए साथ में। नहीं ब्रजेश जी देखिए, और अब आप देखिए कि अखिलेश जी ने जैसे उम्मीदवार घोषित किए, जो पीडीए का नारा दे रहे थे एकदम सही घोषित किए पीडीए में। देखिए अब इनका पहला मात्रा था परिवार, इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये जो 16 आए हैं उसमें हमारा परिवार रहेगा, पीडीए में परिवार फर्स्ट है। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को एक संदेश दे दिया है कि ये इंडी गठबंधन नहीं, ये यूपी में कोई इंडी गठबंधन नहीं, आप देश भर में इंडी गठबंधन जो आपको बनाना है बनाइए, उत्तर प्रदेश में आपको अखिलेश यादव जी के बैनर तले चुनाव लड़ना है, कोई इंडी गठबंधन नहीं, यहां अखिलेश जी आज किधर से खेल रहे हो भाई, चुनाव लड़ना है। नहीं मैं कहां खेल रहा हूं ब्रजेश जी, आपके साथ में कैसे आपकी डिबेट में मैं कहां खेल पाता हूं, मैं तो बस एक जो मेरे दिमाग में आया मैं वही विश्लेषण कर रहा हूं। लेकिन एक ना डॉक्टर बशीर भद्र ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि दादा बड़े भोले थे, सबसे यही कहते थे कुछ जहर भी होता है अंग्रेजी दवाओं में। अब ये राहुल जी और अखिलेश जी दोनों लोग बड़े पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लिखे लोग हैं जी, और इनको गठबंधन करना है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। आपने गौर से अगर इनकी लिस्ट देखी हो तो अधिकांश इनके कैंडिडेट्स पिछड़ी समाज से हैं, और कई जगह तो उन्होंने आपको काउंटर किया जिसका जिक्र मैं ओपनिंग स्टेटमेंट में कर रहा था। आपके लिए मुश्किल होगी, आप अपने कैंडिडेट्स के चयन में फिर सावधानी बरतेंगे या फिर आपको अपना फार्मूला बदलना पड़ेगा? नहीं, हम इनके वजह से ना अपनी रणनीति बदलेंगे ना कोई फार्मूला बदलेंगे, हमारा अपना अपनी रणनीति अपना फार्मूला है। उत्तर प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर हमेशा उत्तर प्रदेश को धोखा देने का काम किया है जी। और इनके इस धोखे को उत्तर प्रदेश ने समय समय पर महसूस किया है। जब ये सत्ता में आए जी,